सिक्योरिटी वाले फॉर्मूले हैं डिप्लोमेटिक से रिलेटेड, थोड़ा सा उसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, कुछ एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एग्जाम में, मे बी हो सकता है क्वेश्चन है। प्रूफ है, सिद्ध कीजिए एक बार, या मैं ये क्वेश्चन का डांस से रिलेटेड मिलते जुलते आपको क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन इज साइन 11 थीटा इनटू साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस 11 थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस 7 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू टेन 8 थीटा। आपको ये जो है इसे एक बार प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 11 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा इंटू साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 11 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर रहे हैं पूरे को और इसको भी पूरे को 2 से गुणा कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो देखिए बीच में प्लस का साइन है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी इसके साथ भी होगा इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 साइन 11 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन 2 कॉस 11 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 कॉस 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब देखें यहां पे तो फॉर्मूले बन रहे हैं 2 साइन साइन बी इधर 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी इसके इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सेम अगेन फिर 2 साइन ए साइन बी फिर आ जाएगा यानी कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी अपॉन, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b इसके इक्वल होगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो 2 cos a sin b हो जाएगा sin a प्लस बी, ठीक है, माइनस sin a माइनस बी sin 11 थीटा माइनस, सेम ऐसे ही 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अब देखिए क्या वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस टेन थीटा माइनस कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस
upon sine 12 theta minus sine 10 theta plus sine 8 theta minus sine 4 theta. ठीक है, चाहे हम थोड़ा सा कुछ मिस्टेक के लिए थ्री थीटा, सो दिस इज टेन थीटा। अब देखें ये कॉस थीटा, कॉस टेन थीटा कैंसिल हो गए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेम साइन ट्वेल्व माइनस साइन टेन थीटा प्लस साइन टेन थीटा वैल्यू अच्छी बन रही है आपके पास। मैं इसको आगे लिखूं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को कॉस फोर थीटा माइनस कॉस ट्वेल्व थीटा अपॉन साइन ट्वेल्व थीटा माइनस साइन फोर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम फॉर्मूलेज करें, कॉस सी माइनस कॉस डी और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी वो इक्वल होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। हो जाएगा टू साइन कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस d अपॉन d या फिर d माइनस c अपर सर तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, साइन 4 थीटा प्लस 12 थीटा अपॉन 2 इनटू साइन d माइनस c अपॉन 2 या इसको माइनस साइन के साथ आप ले सकते हैं, तब ये 4 थीटा माइनस 12 थीटा 12 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी वो इक्वल होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आपको दिख रहा है कुछ इसमें कैंसिल हो जाएगा और इसका वैसे ही वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos 16 थीटा अपॉन 2, तो ये 16 थीटा अपॉन 2 जाएगा 8 थीटा, यानी ऊपर आगे sin 8 थीटा और डिनोमिनेटर में भी cos 8 थीटा है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये सेम है, मतलब 8 थीटा 8 थीटा किसके इक्वल हो गया tan 8 थीटा, यानी आपकी राइट हैंड साइड से हम किस पे दोनों टाइप के फॉर्मूले आपके यूज हुए टू साइन ए साइन बी भी हुआ सी और डी वाले फॉर्मूले। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉमन और भी हो सकता है, कुछ और भी आइडेंटिटी कुछ क्वेश्चन में हमें ऐसा मिले जिसमें हम यूज करें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन है कि cos a plus cos b equals to 1 upon 3 and sin a plus sin b equals to 1 upon 4
tan a plus b by 2 equals to 3 upon 2. Here b, cos a plus cos b equals to 1 upon 3, tatha sin a plus sin b equals to 1 upon 4. So simplify tan a plus b upon 2 is equals to 3 upon 4. तो आपको क्या करना है इसमें? आपको गिवन है cos a plus cos b equals to 1 upon 3. अगर मैं इसको इस तरह से देखूं cos c plus cos b, तो cos c plus cos b किसके इक्वल होता है? 2 cos c plus b by 2, cos c minus b by 2. यहां पे सिंपलीफिकेशन रहे 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 equals to 1 upon 3. And आपको जो गिवन है sin a plus sin b, इसको भी ठीक c और d y कॉम्बिनेशन कन्वर्ट करके देखें, ये गिवन है 1 by 4 के इक्वल. तो sin c plus sin b, ये किसके इक्वल होता है? 2 sin a plus c plus b by 2 cos c minus b by 2. And I have 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 equals to 1 upon 4. आपको देखें जो आपको प्रूफ करना है किसमें आ रहा है tan, ठीक है? और tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. जब तक आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहे तब तक tan थीटा नहीं आ सकता. अब ये दिख रहा है आपके टर्म्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आपने गुणा में, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया ये टू, ठीक है? आपको चाहिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin ऊपर चाहिए cos अपॉन में चाहिए. तो इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 ये है 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 upon डिवाइड कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ अपॉन 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. इसे किसकी इक्वल जाएगा? इक्वेशन 2 अपॉन 1, राइट हैंड साइड में भी वही होगा 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 3, ठीक? तो ये cos a minus b by 2 cos a minus b by 2 को कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहां पे आपकी वैल्यू बचे सिर्फ sin a plus b by 2 अपॉन cos a plus b by 2 sin a plus b by 2 upon cos a plus b by 2 is equals to 1 upon 4 upon 1 upon 3 है, so इसलिए 1 upon 4 into 3 upon 1 इस तरह आएगा. तो sin theta upon cos theta सेम एंगल है, a plus b by 2 a plus b by 2, तो sin a plus b by 2 upon cos a plus b by 2 get tan a plus b by 2 is equals to 3 upon 4. ये आपको प्रूव करना है, आंसर प्रूव, ठीक है? तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक, जो आप बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है. कुछ क्वेश्चन और हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है? अभी के लिए थैंक यू. आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा और जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं जो यहाँ पर